हाय, आई एम सुष्मिता बनर्जी। अभी कितने बज रहे हैं? तो आपने अभी तक पूरे दिन में क्या क्या किया? सोचो, मैं आपको सोचने के लिए समय दे रही हूँ। हाँ, तो आपने जो भी किया, क्या आपको लगता है कि आपने इफेक्टिव किया? चलिए, हो सकता है आपने बहुत कुछ किया, लेकिन ये बताओ, उनमें से कितना टाइम आपने वेस्ट किया? 1 घंटा, 2 घंटे या फिर 5 घंटे? वो समय तो अभी चला गया। हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम ही टाइम को वेस्ट करेंगे तो टाइम कैसे होगा? आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, समय। पिछली बार मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो अब जाके देख सकते हो। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, समय क्यों इम्पॉर्टेंट है? नॉलेज इज लिमिटलेस व्हाइल द लाइफ ऑफ ए मैन इज शॉर्ट। ये लाइन मैंने आपको टेनिसन के यूलिसिस पोएम से इंस्पायर होके बताया। दुनिया में बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारे पास उतना समय नहीं है सब कुछ जानने के लिए। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, यही कारण है कि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक सेकंड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 2, हम समय को बर्बाद क्यों करते हैं? इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, या फिर बहुत कुछ है करने को। नहीं समझे? रुको, मैं समझाती हूँ। एक्चुअली करने को तो बहुत कुछ होता है, पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमें वो मुश्किल लगता है तो हम उससे करते नहीं हैं, और जो हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो करने में आसान होता है, तो इसलिए हम वही करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है करने को, ये बात गलत है। बस हम वो मुश्किल वाले काम में जाना नहीं चाहते। नंबर 3, हम समय को कैसे यूज़ करें? सबसे पहले तो अपने ज़िंदगी का मकसद डिसाइड करो, और फिर सोचो उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना है, और अगर मकसद बड़ा होगा तो मेहनत भी तो ज़्यादा होना चाहिए ना, जो कि सही भी है। और अगर आपको मेहनत करने में प्रॉब्लम हो रही है या आप नहीं करना चाहते, तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ सुबह करो। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे, नहीं, बेस्ट ऑप्शन इज़ ना करो, लेकिन उससे आपको अपनी मकसद हासिल नहीं होगा। क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका मकसद या आपका आलस? सवाल मेरा है, लेकिन जवाब सिर्फ आपके पास है। नंबर 4, डोंट वेस्ट योर टाइम। भले ही समय को हम खरीद नहीं सकते, लेकिन समय बहुमूल्य होता है। कोई भी चीज़ शायद आप दूसरों से ले सकते हो, ए भाई अपना शर्ट दे दे, भैया 1 केजी आलू देना, सोना अपना ATM कार्ड दो ना, माँ मुझे प्यार दो भाई को नहीं, तो ये सब कुछ आप दूसरों से ले सकते हो, लेकिन अपना टाइम मुझे दे दे भाई, आप ये नहीं बोल सकते। कोई भी आपका समय आपसे ले सकता है, मतलब कि वेस्ट कर सकता है, लेकिन दे नहीं सकता। आपका समय बस आपके पास है, और आप उसे कैसे, कहाँ, किस लिए यूज़ करोगे वो भी आपके ऊपर है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओगे, बाद में पछतावा उतना ही कम होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की बात आपको समझ में आई है और आप उसे फ़ायदे के लिए यूज़ करोगे। अपने लाइफ में कुछ करो, समय की वैल्यू करो। समय को खुद को इस्तेमाल करने मत दो, बल्कि खुद
समय को इस्तेमाल करो। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को, तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट वेस्ट योर टाइम।